आईपीएल सीजन 13 का 22वां मुकाबला अब से कुछ ही घंटों में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में शुरू होने जा रहा है। बता दें आपको कि इस मुकाबले में काफी हाई स्कोरिंग रन्स देखने को मिलेंगे। दरअसल ये मुकाबला शारजा में खेला जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि शारजा की पिच गेंदबाजों के लिए कब्रगाह मानी जाती है। ग्राउंड काफी छोटा है और यहाँ पर लंबी लंबी हिटें लगती हैं। जिस तरीके की पावर हिटर्स दोनों ही टीमों में है उस लिहाज से देखा जाए तो आज 200 रन बनेंगे भी और चेज होने का भी पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे में शारजा के विकेट किस तरीके की होगी इस पर बात करना जरूरी है। खबरों की माने तो एक बार फिर आज फ्लैट ट्रैक पर मैच होगा, आज बिल्कुल फ्रेश सरफेस पे मैच होगा और यहाँ पर जबरदस्त रन्स बनने की संभावना है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगा, क्योंकि मिड ऑफ द टूर्नामेंट में जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं हर कप्तान पहले बैटिंग करना पसंद कर रहा है। रन्स बोर्ड पर लगाइए और सामने दूसरी वाली टीम को प्रेशर में डालिए, क्योंकि बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है, इतना आसान नहीं होगा गेंद को हिट करना। लेकिन जब हम शारजा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मैदान के चारों तरफ मार सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री बहुत छोटी है, पिच बिल्कुल हार्ड है और शारजा का मैदान काफ़ी ऐतिहासिक मैदान रहा है। ऐसे में आज हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 200 तो बनने हैं और 200 चेज भी होते हुए आप देख सकेंगे। एक बात तो तय है कि आज 400 रन देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिच प्रेडिक्शन और दिग्गजों की राय भी यही है कि यहाँ पर ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।